चलिए सेठ जी, निकलता हूँ। क्या निकलता हूँ, शटर कौन बंद करेगा? आज से शटर नटू काका ही बंद करेंगे। क्यों? शटर के ताले की चाबी उनके पास रहती है ना, तो शटर भी उनको ही बंद करना चाहिए, मैं क्यों करूँ? सॉरी सेठ जी, मैं शटर बंद नहीं करूंगा। मेरा काम है शटर को ताला लगाना, तो वो काम मैं करूंगा, लेकिन शटर बंद करने का काम बाघा का है, तो बाघा ही शटर बंद करेगा। ठीक है सेठ जी, अगर शटर बंद मैं करूंगा तो शटर के ताले की चाबी भी मैं ही रखूंगा। सॉरी सेठ जी, आई एम ए की पर्सन ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, तो चाबी मैं ही रखूंगा। अगर आपको चाबी रखनी है तो शटर भी आप ही बंद कीजिए। शटर बंद करने का काम मेरा नहीं है, वो तेरा काम है। नटू काका, शटर योर माउथ, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। कहाँ जा रहे तू? अबे बस नटू काका, बाघा, आज आप दोनों को जितना बचपना करना था आपने कर लिया, जितना किट्टा किट्टा खेलना था खेल लिया, लेकिन अभी बस बहुत हो गया। अभी चुपचाप घर जाओ और शांति से आमने सामने बैठ के ये झगड़े का हल ले आओ, क्योंकि कल से मुझे दुकान में ये झगड़े की फालतू गिरी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हे भगवान, इन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये दोनों जल्द से जल्द इस बालिश झगड़े के दलदल से बाहर निकल आए, प्लीज। नटू काका और भागा का झगड़ा हो गया? हाँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, नटू काका और भागा का झगड़ा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे को लगता है जेडालाल ने नटू काका और भागा के बीच में कांड ही लगाया होगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, वो दोनों मेरी दुकान में मेरे लिए काम कर रहे हैं, अगर मैं उन दोनों के बीच में कांडी लगाऊंगा तो नुकसान तो मेरा ही है ना। कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी। वैसे नटू काका और भागा के बीच में झगड़ा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आती भाई, ये झगड़ा भी कोई झगड़ा? तू तू मैं तू तू, और झगड़ा तो हमारे पंजाब में होता है और लाठियां चलती है जोरदार। तेरी बात बराबर है, लेकिन नटू काका और भागा कहाँ लाठी लेके झगड़ा करेंगे? कहाँ नटू काका, कहाँ लाठी, नटू काका से तो लाठी उठ भी नहीं पाएगी। ए, उनके लिए तो ये तू मैं ही बराबर है। हाँ, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्यों? अरे यार, जान के क्या करोगे भाई, हमें क्यों जानना है कि झगड़ा क्यों हुआ? जहाँ भी चार बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे ही। टकरा? दोनों के बीच में बर्तन को लेके झगड़ा हुआ? नहीं सुनी, कहावत बोल रहा हूँ भाई, चार बर्तन होंगे तो टकराएंगे, आवाज होगी, वैसे ही चार लोग जहां भी होंगे वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई। अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। अरे कभी कभी मैं और बबीता के बीच में भी अनबन हो जाता है। मतलब आप बबीता जी के साथ झगड़ा करते हैं? मतलब ऐसा जान मुझ के नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अरे हो जाता है क्या? अरे कोई बबीता जी के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है? अरे कोई क्या, मैं करता है, मैं उसका हस्बैंड है। बाय द वे, ये हमारा हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, तुमको इसमें इतना क्या है? नहीं, आप हस्बैंड वाइफ है बराबर है, लेकिन ऐसा झगड़ा करना तो गलत है ना मेहता साहब? है नहीं नहीं जेठालाल, इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, पति पत्नी के बीच का आपस का मामला है, झगड़ा हो सकता है, तुम तो खुद शादीशुदा हो, समझते हो भाई। तुम नटू काका और भागा के झगड़े में ध्यान दो। अरे नहीं अय्यर, उस झगड़े में भी ध्यान देने जैसी कोई बात नहीं है, दो लोग हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, अब रहते तो दोनों एक साथ ही है ना, रात को जब घर जाएंगे बातचीत करेंगे, कल तक मामला सुलट जाएगा। हाँ बराबर। और जेठालाल तुम बिना वजह टेंशन मत लो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। नटू काका और भागा बच्चे नहीं है। हाँ जेठाबरा, और तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो, और मस्त सोडा पियो। अब्दुल बना दे सबके लिए बढ़िया सोडा। हाँ बना बे, दो मिनट। हाँ, आज रात को ये नटू काका और भागा का झगड़ा सुलझ जाए तो अच्छा है, अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो इन दोनों के झगड़े में मेरा नुकसान हो जाएगा।
महाराष्ट्र में हो चुका है मॉनसून का आगमन। मौसम विभाग के अनुसार इस बार पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून करीब। ए भागा, चैनल क्यों बदला? देखता नहीं मैं समाचार देख रहा हूँ? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे। आप तो मुझसे बात कभी नहीं करने वाले थे, फिर मुझसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे तो तू कोई सुपरस्टार है जो मैं तुझसे बात करने का बहाना ढूंढूंगा? वापस समाचार लगा। नट्टू काका बंद कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। नट्टू काका आवाज मत कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। ये गाना न सुनाई दे इसलिए तो मैं थाली बजा रहा हूँ। ओ बंद कीजिए। पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी महाराष्ट्र के सभी जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई। मुंबई में बारिश अपना कहर ढा रही है।